सवाल जो है संगीता कश्यप का है, उनके पति 40 साल के हैं, उन्हें 10 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था जिससे उनके शरीर ने ठीक से काम करना बंद कर दिया है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? तो उनको प्राणायाम करने चाहिए और थोड़ा सूक्ष्म है, देखो ये बटरफ्लाई करो भाई, बटरफ्लाई तो सभी कर सकते हैं ना, सब कर लो बटरफ्लाई कर लो, बटरफ्लाई फिर थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई भी कपालभाति के साथ करो। ये निष्ठा से करना है, फिर अनुलोम विलोम उनको ज्यादा करना है, एक एक घंटा सुबह दोपहर शाम, कुछ लोग जो है ना 10-10 बार करते हैं, मैं कहता हूं कोई भी अभ्यास आसन है तो 100-100 बार करो, आसन है व्यायाम है तो 100-100 बार करना, प्राणायाम है तो सामान्य रोगों में 10-15 मिनट भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, असाध्य रोगों में आधा घंटा से लेकर के एक एक घंटा, अब पैरालिसिस है तो ये सूक्ष्म व्यायाम, ये फिर ये सब ऐसे, ये सब करें ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे जो सूक्ष्म व्यायाम बताते हैं ना सब, ये सब कर लें, और अनुलोम विलोम ये जबरदस्त है, तुम अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो, सब करो, ये बीपी के लिए बहुत जरूरी है, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी, ये 5 प्राणायाम तो बीपी के लिए रामबाण है, अनुलोम विलोम फिर इसके बाद भ्रामरी फिर ओम फिर शीतली शीतकारी, ये 5 प्राणायाम तो खास है जो आपने पूछा उनके लिए, अनुलोम विलोम सुबह दोपहर शाम, और उनको यदि बीपी है तो मुक्तावटी, उनको बीपी है तो मुक्तावटी, और उनको यदि साथ में नर्वस सिस्टम वीक तो है तो उनको सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट ये 2 पिला दे, और उनको मेधावटी भी सुबह शाम खिला दे, बादाम रोगन 1-1 चम्मच दूध में पिला दे, अनुलोम विलोम सुबह दोपहर शाम 3 बार 1-1 घंटा होगा तो पूरा शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन वापस लौट आएगा, डीजर्नेट हुआ जो है नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरे न्यूरॉन्स, पूरे एक एक सेल रिजुविनेट हो जाते हैं। स्वामी जी, जिन लोगों को बीपी की परेशानी होती है, जो बीपी के मरीज लंबा करना है, जी जी, जिन लोगों को बीपी की परेशानी है या जो मरीज हैं बीपी के, उनकी आंखों पे भी काफी इफेक्ट आ जाता है, लाल रंग का धब्बा सा पड़ जाता है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो ये अनुलोम विलोम से आंखें भी अच्छी होती हैं, फिर उनको सूर्य का, चंद्रमा का या दीपक का त्राटक करना चाहिए, उनको जलनीति करनी चाहिए, उनको त्रिफला रात को पानी में भिगो के सुबह उससे आईवास करना चाहिए, और उनको सबको लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी कल्प करना चाहिए। हा? तो ये बहुत जरूरी है। एक बार बैठ जाओ वज्रासन में, आगे झुकेंगे अभी, वज्रासन में बैठ करके और मंडूकासन करना है। स्वामी जी, आप वज्रासन करना बताइए, करने चाहिए सबको, लेकिन साथ में जरा ये सवाल भी ले लीजिए और इसका जवाब भी दीजिएगा कि जब बीपी ज्यादा होता है लोगों को तो उससे गुस्सा भी बहुत आता है, तो इसे काबू में करने का, इसे कंट्रोल करने का भी कोई उपाय बता दीजिए। गुस्सा करने का एक ही उपाय है कि उसको दूर करने का, जिस पर गुस्सा कर रहे हैं ना उसको पहले तो ये मानो कि कोई भी आदमी, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है चाहे कोई किसी भी पद कुछ भी है, उस अपने विवेक से तो हर आदमी हर काम को अच्छा करना चाहता है। हम गुस्सा कब करते हैं? जब कहते हैं ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, रॉन्ग और राइट की जो फाइट होती है उसमें आदमी गुस्सा करता है। तो उस प्रेम और करुणा कि ठीक है, इसने अपने जो ही कर सकता था अच्छा करने की कोशिश की, तो उसको प्यार से समझाओ यदि अधीनस्थ है, यदि बड़ा है तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान इसको सन्मति दो, सद्बुद्धि दो। तो कई बार छोटों पर हम गुस्सा करते हैं, कई बार हमारे से जो बड़े होते हैं हम पर, जो बॉस होते हैं वो हम पर गुस्सा करते हैं, कई बार हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, कई बार हम खुद लापरवाही के कारण से ऐसा कर लेते हैं, तो जो भी कारण हो लेकिन गुस्सा करके अपना हम अपनी हानि करते हैं, अपने लीवर की, अपने किडनी की, अपने हार्ट की, अपने ब्रेन की, और यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। ज़्यादा गुस्सा करने पर जो है पैरालिसिस होकर के, हार्ट अटैक होकर के आपकी मौत भी हो सकती है। बड़ा भयंकर, सारे नेगेटिव हार्मोन्स, सारे जहर अंदर जिस्म में घुल जाते हैं। तो मंडूकासन और शशकासन,
ये अभ्यास भी करने चाहिए, इससे अपने आप गुस्सा कम हो जाता है। झुकने से, नम्रता से, सरलता से, सहजता से गुस्सा कम होता है। बाकी उनको मेधावटी लेनी चाहिए, उनको सुबह शाम खाली पेट मुक्तावटी लेनी चाहिए। मेधावटी खाने के बाद मुक्तावटी खाली पेट, उनके दिल दिमाग भी थोड़े कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर आदमी गुस्सा करता है।